हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटर। मैं प्रवीण जवले एक बार फिर से आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे भारत के। भारत में तो ऑब्वियसली भारत की बात करें, लेकिन भारत को जोड़ के पड़ेंगे किसी और देश के साथ। आज हम बात करते हैं COVID-19 चल रहा है, सबको पता है बहुत बुरे हालात है देश के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुधर रही है और उम्मीद आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। देखो मेन बात है, बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी, पहले स्वास्थ्य है, जान है तो जहान है। पहले स्वस्थ हो जाइए, सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अब कोविड के बाद लॉकडाउन लगा 2020 में, उसके बाद से सब कुछ एक तरह ठप हो गई थी व्यवस्था हमारी, लेकिन अब अच्छे से चल रही है। उम्मीद है अभी भी दूसरी लहर आई है, उसके बाद भी संभल चुके हैं हम लोग, आगे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में आपको मालूम है सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? जो मेरा मानना है, माइंड मत कीजिएगा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मोदी जी का। विदेश यात्रा में नहीं जा सकते किसी, क्योंकि हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन 99% तक कहां से जुड़ते थे? मोदी जी की विदेश यात्रा से। अब विदेश यात्रा में गए नहीं तो नुकसान तो हो गया भाई साहब बहुत सारा। अब उसके बाद देखो पॉइंट पे आते हैं, COVID-19 के लॉकडाउन के बाद सबसे पहली विदेश यात्रा की है मोदी जी ने बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी है, रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही यात्रा की है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं यात्रा कब की है, कैसे की है, क्या क्या इसमें हुआ था, क्या एग्रीमेंट साइन किया और क्यों जरूरी है बांग्लादेश। अब अगर नॉर्मल सी बात देखी जाए तो आप थोड़ा सा ये देखो, पहले से देखते हैं क्यों, किस टाइम पे बांग्लादेश को, अभी फिलहाल 50 साल पूरे हो चुके हैं 1971 में बांग्लादेश इस्टेब्लिश हुआ था, बना था, क्योंकि पहले क्या था, ये पहले इस तरह से था, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान, कुछ ये स्थिति थी ना, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन कब बना? 1971 में। 50 साल पूरे हो गए इस उपलक्ष पर मोदी जी गए हैं बांग्लादेश यात्रा पर। लॉकडाउन के बाद पहली विदेशी यात्रा थी ये मोदी जी की। इससे पहले मोदी जी कब गए थे? 2015 में, फिर उसके बाद गए थे 2021 में, अब गए हैं। अब 2015 में कब गए थे, सारी हिस्ट्री देखें, पहले जानते हैं बांग्लादेश है क्या, किस तरह से, क्या क्या हुआ है, क्यों है ये हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट ही क्यों है, पहली बात तो ये भी है, वो सारी चीजें देखते हैं। चलिए वापस आते हैं 1947, ठीक है, माइंड यहीं पे रखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, उम्मीद आपको समझ में आएंगी, क्योंकि अगर मैं बता दूं क्या क्या हुआ है इसमें, तो उससे पहले ये तो पता चलना चाहिए हुआ क्या था, वास्तविकता क्या, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। 1947 में देश आजाद हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया, दो देश बना दिए, भारत पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को दो हिस्सों में बनाया गया था, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, कोई बात नहीं, बन गया, चलता रहा 10 साल 20 साल हो गए। कुछ बीच में कुछ लोगों ने ये भी बात की कि एक रोड बनाने की बात हुई थी, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे फिलहाल, नॉर्मल बात करें बांग्लादेश भारत के रिश्तों की। अब रिश्ते जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा पहले क्या था, क्या पहले कभी दोस्त रहे थे या दुश्मन रहे थे, क्या बात थी, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान या पूरा भारत, सब लड़े थे आजादी के लिए, सब एक साथ थे, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अगले देश की डिमांड नहीं की, लेकिन जब बटा तो ये दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, कोई बात नहीं। 1971 की बात करते हैं, 1971 इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला दिन है, सबको याद होना चाहिए। अगर भारतीय होने के बाद आपको इस दिन का नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं दूर हो अपने देश की जानकारी से। चलिए बात करें 1971 में, सबसे पहले 3 दिसंबर को युद्ध हुआ था, शुरुआत की थी पाकिस्तान ने, लेकिन उससे पहले मार्च की बात करें, मार्च में बात चल रही थी, क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने, सीधी सी बात है, जो ये पश्चिमी पाकिस्तान थे, जो फिलहाल एज एट प्रेजेंट पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, यहां से ऐसे आते थे कुछ लोग, यहां से जाते थे, जो इनका अपना हिस्सा था एक तरह से, जिस सपोज भारत है, भारत के गवर्नर है हर स्टेट में, इस तरह से इनका जो गवर्नर यहां पर था, एक तरह से इनका स्टेट तो था पाकिस्तान का, बांग्लादेश जो यहां पे इनका गवर्नर था, जो इनका स्टेट था बांग्लादेश, मतलब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान का स्टेट था, इस पर जाकर अत्याचार शुरू करने शुरू कर दिया कि आप तो भारत के हिस्से हो, ये हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम भारत के साथ ज्यादा मिले रखते हो, तुमने कोशिश नहीं की भारत पाकिस्तान में ज्यादा ले जाते थे, ये करते थे, और बातें इतनी बढ़ गई कि इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, लोगों को मारना शुरू कर दिया, रेप करने शुरू कर दिए, मतलब अपने ही हिस्से में इन्होंने ऐसी तबाही मचा दी, बहुत बुरी तबाही। उस समय शेख मुजीबुद्दीन रहमान साहब ने बात की इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने इमरजेंसी लगा, ये लगाया बोला, देखो हर नेता के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, जैसे मोदी जी की बात करें, बहुत जगह नेगेटिव बातें सामने आ रही है, लोग बात कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी तो है। 370 की बात करें,
अब कुछ लोग ये कहते हैं 370 का हमारे जीवन पर कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, हमने मान लिया आपके जीवन पर कोई फायदा नहीं है, 370 हटा ना, अब ये हिस्सा भारत का हुआ ना, तो हर उसके पॉजिटिव निगेटिव पहलू होते हैं। अब बात करें इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से जब बात की गई, इंदिरा गांधी जी ने कहा अच्छा ये तो बात गलत है, तब इन्होंने बात कही कि हम आजादी में एक साथ लड़े थे, अलग होने के बाद भी हम परेशान है तो फायदा क्या हमारा, हम उसके साथ नहीं जाना, हमें तो अलग चाहिए, हम अलग रहना चाहते, आपके साथ भी नहीं रहना चाहते, अलग रहना चाहेंगे लेकिन एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने कह देना बात उस पाकिस्तान से अलग होने की तो हम साथ में हैं। इन्होंने अपने सेना नायक से बात की जो कमांडर इन चीफ थे कि युद्ध करते हैं, चलो युद्ध करते हैं जरूरी। यहाँ पर बांग्लादेश में एक सेना थी जिसका नाम था शक्ति वाहिनी जो शेख मुरुद्दीन की सेना थी, उन्होंने लड़ाई शुरू की उनके साथ जो पाकिस्तानी वहां पर रेप कर रहे थे, अत्याचार करते, मर्डर करते, मतलब बुरी तरह से युद्ध चल रहा था उस समय। कोई बात नहीं, भारत ने अपनी सेना तैयार कर दी, दोनों बॉर्डर पे अपनी सेना लगा दी भारत ने, कोई बात नहीं। ये समय बीतता क्योंकि बरसात का मौसम है, उस समय युद्ध भी नहीं कर सकते, कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को, पाकिस्तान की देखो जासूस अब भी है, पहले भी हुआ करते थे, तो पाकिस्तान को पता चला भारत की सेना तो उधर है पूरी पाकिस्तान पे, हम हमला कर देते हैं। 3 दिसंबर को हमला किया, कहां पर याद है, गदर मूवी याद, सॉरी बॉर्डर मूवी याद है, मेजर कुलदीप सिंह 112 सैनिक, मात्र 112 सैनिक, और इन्होंने 20,000 सैनिकों से हमला कर दिया कि जीतेंगे, फिर नाश्ता दिल्ली में करेंगे, ये ब्रेकफास्ट दिल्ली ना, ब्रेकफास्ट जैसलमेर में करेंगे और लंच दिल्ली में करेंगे, जीतते हुए चलेंगे जब तक सेना हमारी, दिल्ली हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा था दिमाग में। 112 सैनिकों ने बैंड बजा दी, 112-120 जो भी थे, ज्यादा फर्क नहीं नंबर में, लेकिन उन्होंने सबकी बैंड बजा दी। 3 को हमला किया और 4 दिसंबर को खत्म, युद्ध समाप्त, टैंक वैंक सब खत्म बुरी तरह। आज भी इनके टैंक भारत में रखे हुए सुरक्षित, ये लेके नहीं गए कि भाई तुम रखो, हमारी हिम्मत नहीं है, लाश जो पड़ी थी लाश से नहीं नहीं हम आएंगे गोली मार दोगे, हम नियत जो बोले नहीं मारेंगे, तो इनकी हालत ऐसी होगी भाग गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं गए, तो ये हमने जीत लिया, यहां से लग गया ना कुछ नहीं होता। एयरफोर्स को बुरी तरह मारा, अंबाला स्टेशन पे उन्होंने हमला किया था, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, उसने कुत्ते की तरह मारे, क्योंकि उस समय हमारे फाइटर प्लेन जो थे वो दिन में रात को नहीं लड़ सकते थे, 3 बजे के आसपास, 3 बजे तक इन्होंने संभाल कर रखा, 3 बजे तक उनको बेवकूफ बना दिया, माइंस बिछा दिए, जितने भी माइंस थे गवर्नमेंट ने भी कहते हमारे पास सेना कम है, आप पीछे हट जाओ। अब वही बात है ना, एक 1.25 लाख से एक लड़ाऊ तब गोविंद सिंह राम नाम कहलाऊ, लड़ गए, भिड़ गए, बुरा हाल कर दिया, हार गया पाकिस्तान यहां से हार गया, कोई बात नहीं। उसके बाद जब यहां से युद्ध हो चुका, ये रास्ता पाकिस्तान का हो गया बंद, अब पाकिस्तान यहां से नहीं आ सकता, अब यहां पाकिस्तान की सेना लड़ाई कर रही है, युद्ध कर रही है, तो पाकिस्तान यहां से चला, यहां से अस्त्र वगैरह पहुंचाना होता है, गोला बारूद पहुंचाना है सेना के लिए, खाना पीना और सैनिक पहुंचाने, कोई बात नहीं। उससे पहले नेवी ने यहां पर हमला करके जो उनका ग्वादरा बंदर था ना उसको ध्वस्त कर दिया, कोई बात नहीं। यहां से गए इनकी पंडुबी, कौन सी गाजी मूवी आपने देखी होगी, देखो 2 मूवी जरूर देखना, ये स्त्री अगर जाननी है बॉर्डर मूवी, इसको डिटेल में समझ जाओगे, फिर दूसरी है गाजी, अब क्या ये 2018 के आसपास। यहां पे गाजी इन्होंने पंडुबी भेजी अपनी समरी में किसको मारने के लिए, विक्रांत को, जो विक्रांत हमारा जहाज था जो यहां पे बैठा फुर्सत में आराम से बैठा युद्ध कर रहा था, क्या कर रहा था विक्रांत, इतना बड़ा जहाज था हमारा जिसको हराना नामुमकिन था, वो क्या करता था, उसके ऊपर फाइटर प्लेन थे, युद्ध करते थे यहाँ पे पाकिस्तानी को, यहां पर मार रहे थे कुत्ते की तरह, ठीक है, और प्लस नीचे भी मार रहे थे जो भी इधर उधर आ रहा था। इन्होंने इसको ध्वस्त करने के लिए गाजी सबमरीन भेजी, जो गाजी सबमरीन पाकिस्तान की नहीं थी, वो अमेरिका से लिया हुआ था, अमेरिका से लिए सबमरीन थी, लेकिन जब तक वो यहां तक आती विशाखापट्टनम पर ही उसको किसने, राजपूत जहाज ने हमारे उसको रास्ते में ध्वस्त कर दिया। जब पाकिस्तान खत्म, सारे रास्ते बंद, कुछ कर ही नहीं सकता, तो पाकिस्तान फिर से वही रोते रोते रोते, बचाओ बचाओ मुझे बचा लो मुझे बचा लो, कहां पहुंचा, अमेरिका के पास, ये देख रहे हो ये हमारा कहां गया, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान ये है। अब यहां से यहां तक तो पाकिस्तान नहीं आ रहा था, बहुत बुरी तरह पिट गया यहां से, फिर ये गया अमेरिका, अमेरिका कहां है, यहां, यहां से अमेरिका ने अपने जहाज बेचा, सातवां बेड़ा का 4-5 परमाणु हथियार थे, अब यहां से वो यहां तक आ रहा, और यहां से इंग्लैंड की सेना भेज दी उसने, मतलब 2 बेड़े भेजे यहां के लिए, देख रहे हो अमेरिका से इसने सेना मंगाई है किसके लिए, भारत को हराने के लिए, क्योंकि अमेरिका भी, अमेरिका को देखो कोई मतलब नहीं है किसी देश से, किसी यारी दोस्ती से, क्या सिर्फ अपने हथियार बेचने, अमेरिका अगर हथियार ना बेचता, इतनी स्थिति ना होती, तो इतने युद्ध ना होते देशों में। तो यहां से आए अमेरिका का सातवां बेड़ा,
और किस लिए कि भारत को हराएं, क्योंकि अमेरिका पहले से खपा था, क्योंकि हमने इसको श्रीलंका में जब इसने अपना बंदरगाह बनाया था ना, अपना सेना अड्डा बनाया, तब कुत्ते की तरह मार के भगा दिया था। ठीक है, अमेरिका को डायरेक्टली नहीं मारता, सीध युद्ध था वो, हमने सिर्फ श्रीलंका को परेशान किया था, इंदिरा गांधी नहीं किया था वो, तब जाके अमेरिका को भगा दिया वहां से। तो रशिया ने साथ दिया था उस समय, रशिया के कहने पर हमने नेपाल और यहां से इसको भगा दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका की सेना आ रही है यहां से, देखो कितनी दूर से आ रही घूम के, आ रही है आ रही है आ रही है, जब तक ये आई हमें पता चल गया क्या है, हम पहुंचे रशिया के पास, इंदिरा गांधी ने बोला देखो भाई साहब आपकी हेल्प की थी, आपने कहा सच्ची दोस्त तेरे आगे भी हेल्प करूंगा मैं भी, तो रशिया ने यहां से भेज दिया अपना 44वां बेटा जिसमें 300-400 परमाणु हथियार। अब जब अमेरिका को पता चला, ओ माय गॉड, क्योंकि एक जहाज नहीं था, इसके साथ बहुत सारे जहाज चलते थे, 7वां बेटा इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से ईगल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, और ऊपर से आ गया हमारा रशिया साथ में, रशिया ने कहा अरे आओ हम बैठे, हाथ लगाओगे लगाओ, साला हमारे पास ऐसे हथियार बैठे, तुम्हारी पनडुब्बी या जहाज नजदीक पे ना, परमाणु हथियार अपने आप लॉन्च हो जाए, मैं कुछ नहीं करना, हम तो आराम से बैठे चाय पी रहे बैठे रहे। अमेरिका ने कहा भाई इट्स टू लेट, बहुत देर होगी, हम तो वापिस आओ। अमेरिका पीछे मुड़ गया, ऑस्ट्रेलिया का जो ईगल बैठा था वो पीछे मुड़ गया, तो खत्म। तब यहां पे जाने की हिम्मत नहीं पाकिस्तान का, भाई साहब मारो कुछ भी करो लेकिन माफ कर दो, बस छोड़ दो, खत्म करो इसको। अब क्योंकि ऊपर से एयरफोर्स, इधर से हमारा विक्रांत, इधर से नॉर्मल सेना, अंदर से कौन मार रहा था, शक्ति वाहिनी, अब इतनी बुरी हालत कर दी, उन्होंने हाथ जोड़ ले भाई साहब कुछ भी करो। और उस समय 93,000 सेना, 93,000 देख रहे, 93,000 सेना ने आत्मसमर्पण किया भारत के सामने कि साहब माफ करो बस छोड़ो। और उसके बाद जब आत्मसमर्पण कर दिया, पाकिस्तान हार चुका, देखो आत्मसमर्पण यहाँ पे किया, युद्ध यहाँ हो रहा है, लेकिन हारा कौन था, ये जो यहाँ बैठा है, ये आ रहा था जिसे अब भी चैन नहीं है, अब भी चैन नहीं, अब भी इसके टैंक ये 1972 वाले युद्ध के हमारे पास रखे हैं, अब भी चैन नहीं है, फिर भी 14-15 दिन में पूरा युद्ध समाप्त। विदेशों में सबको पता है पाकिस्तान, भारत जो अभी अभी आजाद हुआ था, 20 साल आजादी को नहीं हुए, लेकिन बुरी तरह से हरा दिया पाकिस्तान को, इतना अमेरिका को भगा दिया वापस, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर एज पर द एग्रीमेंट जो बातें हुई थी इंदिरा गांधी जी ने शेख मुजीबुर्रहमान रहमान जी को कहा, ठीक है भाई साहब आपने बात की थी कि हमें बचाना है, हमने उस पाकिस्तान से बचा लिया, ठीक है बचा लिया, अब आप अपने देश को संभालो, अपने स्थापना करो, अपने ये अलग देश हो जाएगा बांग्लादेश के नाम से, क्योंकि उन्होंने कहा था बांग्लादेश की स्थापना करनी, ठीक है बच्चा बांग्लादेश हो गए। अब क्योंकि जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि यहां से आते जाते रहते, अगर बना देता तो पाकिस्तान का इंटरफेयर भारत के अंदर रहता, आतंकवादी आते जाते रहते, वो तब भी आते रहते हैं, वो अलग बात है, 10 आते हैं 2 ही वापिस जाते हैं, और आगे भी ऐसे रहेगा, एक दिन को ऐसा आएगा कि हम ये यहां से जाएंगे और 10-15 को अपने आप ही लेके आएंगे पकड़ के, ठीक है सुधार करके, ऐसे नहीं, ठीक है ये स्थिति होगी, बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश बनने के बाद कब बना था, 1971 बांग्लादेश बना था, और 2021 में 50 साल पूरे हो चुके, क्लियर है सबको, इसलिए 50 साल पूरे होने पर हम वहां गए, प्लस जो शेख मुजीबुर्रहमान रेहान है इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, 100वां बर्थडे था इनका, इसलिए वहां पर गए हैं, ठीक है। शेख मुजीबुर्रहमान रेहान जिन्होंने इसको अलग कराया था, तो 100th बर्थ एनिवर्सरी पे मोदी जी गए हैं वहां पर, और इससे पहले 2015 में कब गए थे, क्यों गए थे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक बिग बिल पारित हुआ था जिसके तहत भारत बांग्लादेश की जो सीमाएं थी जो सीधी नहीं थी, उन सीमाओं को सीधा करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया है, द 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 100वां भारतीय संविधान संशोधन बिल पारित किया गया, जिसके तहत कुछ हिस्से को भारत के बांग्लादेश को दिया गया, कुछ बांग्लादेश के हिस्से को भारत में लिया गया, मतलब जो बॉर्डर इधर उधर हो रहे थे उनको सीधा किया गया। और उस समय मोदी जी अकेले नहीं गए थे, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे ज्यादा टच करता है किसको, पश्चिम बंगाल को, तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उनके साथ गए थे दोनों, पहली बार किसी मीटिंग में एक साथ गए थे, बहुत अच्छा लगा था, दिल खुश हो गया आपको देख के, ठीक है। अब यहां तक आपको हिस्ट्री समझ में आ गया सारी चीजें क्या क्या थी। अब पाकिस्तान भी कोशिश करता, भारत चला गया हमारा, कोई नहीं दोबारा बुलाते हैं, ये हमारा भारत है और ये हम है और हम पढ़ाई कर रहे हैं, पार्टी मत बोलना कोई, इस तरह से कुछ हमारा भारत है, चलो इतना ही बना लो, समझ तो जाओगे ना, फीलिंग होनी चाहिए देशभक्ति की, उससे ही समझ जाओगे आप लोग, ज्यादा नहीं बना, सिर्फ आपको ये पॉइंट दिखाना है, ये है आपका चिकन लेग, चिकन लेग के नाम से अगर इतिहास में पूछे, चिकन लेग है, और ये है हमारी 7 सिस्टर, ये 7 राज्य हैं, ये चिकन लेग है, और यहाँ पे नेपाल है, और इधर चाइना है, चाइना हमेशा फिराक में रहता है, यहां से अगर भारत को काट दिया तो इधर का रास्ता जाना बंद, अब ये तो हमारा बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश यहाँ पे है तो काटते भाई, ये तो पूरा बांग्लादेश हमारा है,
अब वहां से नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, और क्यों काटेगा, इधर से हमारी सेना का अड्डे यहाँ पे मना रहे हैं, यहाँ से ऐसे नहीं मारेंगे इसको, इधर से मारेंगे, इधर से मारेंगे, कुत्ते की तरह मार के भगा देंगे चाइना को भी। तो ऐसा कुछ था, बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो ये स्थिति प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, हमारे चिकन लेग अगर कट जाए तो बांग्लादेश में घुसने नहीं देगा, तो फिर चाइना यहाँ पे हमला करके इन पूरे राज्यों को अलग से काट सकता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए जरूरी है। अब बात करते हैं क्या क्या हुआ है, इसलिए बांग्लादेश के साथ रिश्तों को और अच्छा करने के लिए सारी मीटिंग हुई है। अब कौन क्या दिन था, 50वां बर्थडे था मोदी सॉरी बांग्लादेश का 50वां बर्थडे था, और शेख मुजीबुर रहमान जो वहां के संस्थापक है बांग्लादेश के, उनका 100वां बर्थडे था। तो ये दो रीजन है जिसके लिए वहां पे गए हैं। अब दूसरी बात, क्या क्या हुआ है इस मीटिंग में, ये 26 और 27 मार्च को रही है, दो दिन रही है मीटिंग में, बांग्लादेश में ही गए हैं। सबसे पहली बात, जो शेख मुजीबुद्दीन रहमान है इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है भारत सरकार द्वारा, गांधी शांति पुरस्कार। और जैसे कि ये अब नहीं है, ये अब दुनिया में नहीं है, ये जन्नत में बैठे देख रहे हैं, तो इनकी जो बेटियां हैं दो, कौन कौन है, शेख हसीना और शेख रिहाना, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया, इन दोनों ने पुरस्कार प्राप्त किया गया है। कितनी बेटियां हैं, दो बेटियां हैं, शेख हसीना शेख रिहाना, दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। यहां तक कोई आपत्ति विपत्ति किसी को क्लियर है, हिस्ट्री का बैकग्राउंड से पूरा जोड़ के पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अब यही कौन है फिलहाल वहां के पीएम है, वहां के देश को संभाल रही है, इनके साथ सारे समझौते हो रहे हैं। और क्या क्या किया गया, जो शहीद स्मारक है ढाका में जो शहीद स्मारक है वहां पर 26 मार्च को मोदी जी गए हैं, नमन किया है, और वहां पे क्या किया है, अर्जुन का एक पौधा लगाया अर्जुन का, याद रखेगा, ठीक है। प्लस वहां पे जो कौन सा है 14 बेड़ा है, जो 14 बेड़ा, एक तरह से ये मान लो जो विपक्ष है ना वहां का, क्योंकि मोदी जी बहुत दूरदर्शी है, जो विपक्ष है वहां का उससे भी मिलके आए। क्यों मिलके आए, क्योंकि देखो सत्ता परिवर्तन कभी भी कहीं भी हो सकता है। अब हम सिर्फ इनसे मिलते रहे, आगे सत्ता किसी और की आ गई, भाई आगे कैसे होंगे हमारे एग्रीमेंट पूरे। तो ये जो विपक्ष से भी मिलके आए हैं कि भाई साहब फ्यूचर को भी सिक्योर करके चलो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर बापू बंग बंधु प्रदर्शनी का उद्घाटन याद रखिए, किसका, बापू बंग बंधु, और तंगी पार में बकुल का पौधा लगा है, एक पौधा कौन सा लगा है अर्जुन का, ये कहां शहीद स्मारक में, और तंगी पार में लगा है बकुल का पौधा, क्लियर है। और ओराकांडी में घोषणा की है कि कन्या विश्वविद्यालय भारत बनाएगा अपने पैसों से, क्या करेगा कि तंगापुरु में सॉरी ओराकांडी में ओराकांडी स्थान पर भारत एक कन्या विश्वविद्यालय देगा बांग्लादेश को, और जो कि फ्री होगा, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बनाया जाएगा, स्टेब्लिश किया जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई आपत्ति पच्चीस को रख कर दे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांच एग्रीमेंट है, कौन कौन सा, पहला एग्रीमेंट हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन है भारत सरकार में, किसी भी देश में कोई आपदा आ रही है उससे निपटने के लिए भारत अपनी जो तकनीकी साझा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, कोई आपत्ति उत्पत्ति। दूसरा क्या हुआ, जो एनसीसी है भारत की, इंडियन एनसीसी नेशनल कैडेट कोर प्लस बांग्लादेश की एनसीसी वहां पर भी होती है भाई, दोनों आपस में मिलकर अपनी ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कार्य करेंगे आगे, यहां तक कोई आपत्ति उत्पत्ति नहीं, ठीक है। तीसरा स्पोर्ट के क्षेत्र में जो राजश्री कॉलेज है वहां का, राजश्री कॉलेज उसके साथ स्पोर्ट हब बनाएगा भारत सरकार अपने पैसे से। देखो हम कितनी चीजें दे रहे हैं, तो क्या हमें थोड़ी जमीन नहीं दे सकते इमरजेंसी के लिए, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने भी दिया, क्योंकि देखो मेन बात, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो अगर वापिस लेने की नीयत रखे हो तो काम नहीं चलेगा। ऐसे तो भारत अफगानिस्तान में क्या बना रहे हैं, रेलवे स्टेब्लिश है, रेलवे लाइन बिछा, रेलवे चला रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, सारी चीजें बना रहा है वहां की, क्योंकि एक दूसरे की सहायता करके तो ही काम चले, ठीक है। उसके बाद तीनों के चौथा एग्रीमेंट क्या हुआ है, 109 एम्बुलेंस की चाबी दी गई है, 109 एम्बुलेंस भारत ने दी है किसे, बांग्लादेश को, कि आपके यहाँ एम्बुलेंस की अगर कमी है तो हम एम्बुलेंस देते हैं आपके देश में काम आएंगे, कितनी दी है 109 एम्बुलेंस। और पांचवा 12,00,000 कोविड वैक्सीन दी गई है बांग्लादेश को, क्या क्या दिए गए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी एक दूसरे को, एनसीसी दोनों की साझा होंगी, प्लस स्पोर्ट हब बनेगा पे राजश्री इंटर कॉलेज के पास, राजश्री कॉलेज के पास, डिग्री कॉलेज है ये बांग्लादेश का ही, 109 एम्बुलेंस दी गई है, 1.2 मिलियन कोविड वैक्सीन दी गई है, 12,00,000 वैक्सीन दी गई है, क्लियर। प्लस एक
यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है रूपपुर, रूपपुर नाम से एक न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है बांग्लादेश में, जो कि भारत बनाएगा किस लिए, ताकि वहां पे बिजली उत्पादन हो सके पॉजिटिव सेंस में सर, हमने हमले के लिए कुछ नहीं, अभी एक बार बांग्लादेश से काम ना करेंगे, क्या जीतेंगे उससे, अभी हमें तो ना यार एक देश और बैठा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, अगर हमला करते तो फायदा क्या होगा, क्यों लड़ाई करना, जब वो भी देखो जब आजादी के टाइम में हमने सबने एक साथ मिलकर लड़ाई की थी, तो अब अलग अलग करके क्यों मारे एक दूसरे को, है ना, बस ये नहीं समझता है बात, ये नहीं समझते, इसे जरूरत है, इसे समझाने की बहुत जरूरत है, कोई नहीं आएगा अपना टाइम भी आएगा, यहां तक क्लियर, कोई आपत्ति उपत्ति, आज हमें पढ़ा है बांग्लादेश भारत का जो रिश्ता है कैसा है, अब आप देख सकते हो बांग्लादेश भारत का रिश्ता ऐसा हो चुका है बहुत अच्छे वाला, और ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे क्या पता कब कौन से देश की जरूरत पड़ती है, और मेन बात यह अगर हम अपने पड़ोसी से ही लड़ते रहे तो चाइना क्या करेंगे, उससे भी तो लड़ना है ना, अब मोदी जी की पहली मीटिंग कौन सी रही है कोविड के बाद बांग्लादेश की, बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया गया है, वो सारी चीजें आपको बता दी गई है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आएंगी, और मेरा पूरा मानना है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर एग्जाम में मिलेंगे, जितने चीजें समझ में, इनको याद कर लेना अच्छे से, रट लेना, देखो याद करना समझना, समझाने के लिए मैंने पूरा बैकग्राउंड क्लियर किया है, कोशिश की एक भी पॉइंट ऐसा ना है जो क्लियर ना हो, आप इसको याद करोगे अच्छा रहेगा, बाकी एग्जाम में जरूर आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वाह कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसे लगी ये भी आप कमेंट करें, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आप भी बता सकते हैं, ओके गाइस मिलते हैं जल्दी, और उन सैनिकों लेके लाइव होना चाहिए जिन्हें पाकिस्तान को अलग कर दिया, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया था, अगर उस समय आज भी पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान होता, ये भी पाकिस्तान, तो बहुत बुरी स्थिति होती हम लोगों की, बुरी तो नहीं होती, हम भी इतने तो बुरे हम भी नहीं है, पेल लेते हैं दोनों को, लेकिन जो कर दिया वो ज्यादा अच्छा रहा है, ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद आप चीजों को समझ आ रही होंगी, ये करंट अफेयर की छोटी छोटी क्लासेस लो भी दोबारा शुरू करेंगे, बाकी लो की क्लासेस सब पढ़ी है आपकी प्ले लिस्ट में, बाकी दोबारा शुरू करेंगे, कौन सा लो का सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए फ्री लाइव क्लासेस यूट्यूब पर, वो आप कमेंट करके बताएं, ओके गाइस मिलते हैं, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।